है गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एसबी क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है मेंस एग्जाम की। देखिए अभी तक जो डेट है वो 31 है, बाद में अगर डेट में भी चेंजेस होती हैं तो वो अगस्त में आपका एग्जाम कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि 31 वाला अभी थोड़ा सा सैनरियो लग नहीं रहा जिस तरह से भी एग्जाम हो पाएगा आपका। तो अगस्त में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम शेड्यूल होगा और मे बी 20 या 25 अगस्त तक आपका एग्जाम शेड्यूल होगा। तो अगर ये एग्जाम आपका शेड्यूल होगा तो आपको जीए के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने मंथ्स का जीए आप लोगों को करना है, कौन कौन से टॉपिक जीए के अंदर आपको करने, कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी इसमें। तो वीडियो में बने रहिए और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जीए वगैरह की जो पीडीएफ्स है, पेड पीडीएफ्स आपको फ्री में मिलती है वहाँ पे, तो हर एक टॉपिक की आपको पीडीएफ्स मिलती रहती है वहाँ पे, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पे आप लोग पर्सनली कनेक्टेड हो गए, आपने जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकते हो। तो एसबी क्लरिकल मेंस में जीए की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और आपके लिए इंडिविजुअली टाइम रहता है यहाँ पे। तो 50 मार्क्स में से आप लोगों को जितने ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हो उतने आपको स्कोर करने हैं। अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ एग्जाम में किस तरह से जी आता है। देखिए लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो अफेयर क्लाउड्स की जो पीडीएफ थे उनसे 40+ क्वेश्चन एग्जाम में कवर हुए थे। तो बेस्ट सोर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अफेयर क्लाउड से बेस्ट कोई नहीं है। 40+ क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के एसबी क्लरिकल, दोनों शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग 40-40 क्वेश्चन कवर हुए थे अफेयर क्लाउड से। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए अगर बात की जाए करंट अफेयर की, करंट अफेयर सेक्शन आता है 30 नंबर का, 30 नंबर का आपका करंट अफेयर आता है। उसके बाद जो आपका 20 नंबर बाकी बच जाता है उसमें आप लोगों का 5 से 7 मार्क का स्टैटिक का पोर्शन आता है, जिसमें आपके नेशनल पार्क हो गए, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हो गए, जो भी आपकी रिवर्स के किनारे पे जो जो नदियों के किनारे जो शहर हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, यानी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो अदर कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपना आरबीआई है, तो उस तरह से अमेरिका का कौन सा बैंक है, न्यूजीलैंड का कौन सा बैंक है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बैंक है, तो उनके सेंट्रल बैंक से भी क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ की जो संसद वगैरह है उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये कुछ टॉपिक्स है और उनकी एक प्रॉपर लिस्ट मैंने डाली हुई है वीडियो यूट्यूब पे, तो जाके देख लीजिए कि स्टैटिक में कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं। तो स्टैटिक के अंदर आपके 5 से 7 मार्क्स कंप्लीटली आते हैं। इसके बाद जो मार्क्स बचते हैं आपके 10 या 12 मार्क्स, उनमें बैंकिंग आता है आपका, बैंकिंग से संबंधित आती है क्वेश्चंस, और उसमें जो है वो करंट बैंकिंग भी हो सकती है और स्टैटिक बैंकिंग भी हो सकती है, दोनों इसके अंदर आप लोगों की कवर होगी, करंट बैंकिंग भी होगी और स्टैटिक बैंकिंग भी होगी। और इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो डेटा वाले आते हैं, यानी एक्चुअल डेटा जिसमें पूछा होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अप्रैल के अंदर जीएसटी का कलेक्शन कितना था, तो ये एक एग्जैक्ट डेटा आपको याद करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जो अभी कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी रेट पूछ सकते हैं आपसे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीपीआई की रेट आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वाली जो रेट्स वगैरह होती हैं ये आपको याद करनी होती है। जीडीपी प्रोडक्ट्स प्रोजेक्शन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होती है और जिनके एक्चुअल डेटा आपको याद रखना होता है। बाकी करंट अफेयर से तो 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको हर जगह यही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप 30 में से छोड़ने वाले हो। और यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो, अगर स्टैटिक में 5-7 नंबर वाले में, तो मे भी 5 नंबर आप इजीली लेके आ सकते हो, क्योंकि स्टैटिक ईजी आता है वहाँ पे, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह ये इजी पूछे जाते हैं, और इनको आप लोग याद भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसके अलावा अगर स्टैटिक बैंकिंग की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने बैंकिंग पढ़ रखा है पहले से तो दा बेटर है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग पीडीएफ वगैरह से बैंकिंग को कवर कीजिए। सिर्फ 2 दिन में आप लोग कंप्लीट बैंकिंग कवर कर सकते हो, 2 दिन में कंप्लीट बैंकिंग आप लोग कवर कर सकते हो। तो आप लोग बैंकिंग जो है वो उसको छोड़े मत, बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीटली आप लोग कवर करें, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो 10 या 12 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 5 क्वेश्चन भी वहाँ से बना लोगे तो आपके अटैम्प्ट यहाँ पे 40 हो जाएंगे। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आने हैं, और करंट अफेयर कितने मंथ का आना है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए एसबीआई का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट ईयर को मैं छोड़ दूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ वो हुआ, 3 से 4 महीने का जिस डेट को एग्ज़ाम है, मान लो 31 जुलाई को आपका एसबीआई का मेंस एग्ज़ाम है, तो आपका जीए जो वो 31 जुलाई से पहले पहले 3 या 4 महीने का जीए आएगा। अगर ये एग्ज़ाम जाता है 25 अगस्त को, तो आप लोग ये मान के चलो कि मुझे लास्ट 6 मंथ का जीए कवर करना है, लास्ट 6 मंथ का ही जीए आपका मोस्टली आता है। लास्ट 6 मंथ से आपके 60 से 75% क्वेश्चन जीए के करंट अफेयर्स के जो हैं वो आते हैं। अब बाकी के जो 25% क्वेश्चन है वो लास्ट 12 मंथ से भी पूछे जा सकते हैं, कोई ओल्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और
अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं 12 मंथ का जीए कवर कर लूँगा, तो एग्ज़ाम के अंदर आप लोग कन्फ्यूजन इतना पैदा हो जाएगा ऑप्शंस के अंदर कि अपने वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए चीज़ें लिमिटेड रखो, अपनी सोर्सेज लिमिटेड रखो, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, पर उनके मल्टीपल रिविजन्स आप लोग करो, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला जो सिनेरियो हो रहा है ना एग्ज़ाम के अंदर, तो उसका यही है कि मल्टीपल रिविजन्स करो, कंटेंट कम रखो। अब ये है कि आप लोग को मैंने बोला कि आप लोग 6 मंथ का कवर कीजिए, आपका हर एक एग्ज़ाम जो भी 2021 में आएगा उसमें कवर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को मानिए और लास्ट 6 मंथ का ही जीए कवर कीजिए। अब आप अगर 12 मंथ्स का या 24 मंथ का जीए कवर करने बैठ गए, तो आप लोगों को खुद को पता है ना, तो इतना कंटेंट हम याद रख पाते हैं ना, उनका हम मल्टीपल रिविजन्स कर पाते हैं, और ना फिर एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आने हैं। तो सच्चाई जो है वो यही है कि लास्ट 6 मंथ का जीए ही आता है मोस्टली, और 90% स्टूडेंट इसी को प्रिपेयर करके जाते हैं। अब अगर 90% स्टूडेंट इसी को प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं 12 या 24 मंथ का कवर कर लूँ, तो देखिए वो पॉसिबल है नहीं, बैंक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी होना नहीं चाहिए ये चीज़। क्योंकि अगर जहाँ से अगर कोई एक या दो क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 12 मंथ से, एक या दो क्वेश्चन के लिए आप पूरा 12 मंथ पढ़ रहे हो, और जहाँ से 60 से 75% तक क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 6 मंथ से, उसको आप स्किप कर रहे हो, तो ये गलती ना करें। आप लास्ट 6 मंथ का जीए कवर करें। हो सकता है कि आप जनवरी 2021 से बाद का जितना जीए आप लोग पढ़ लीजिए, और आप लोग अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो पीछे का एग्ज़ाम हुए हैं तो उन सभी का सिनेरियो यही है कि लास्ट 6 मंथ से जीए कवर हुआ है। तो आप लोग अगर कोई भी डाउट रहता है जीए से संबंधित, तो कम्प्लीटली आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे जाके पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो। जीए के लिए आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, और इसके अलावा जो करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स अफेयर क्लाउड है आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पर 10% का डिस्काउंट आप लोगों के लिए। इसके अलावा स्टैटिक और बैंकिंग भी आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से अगर 5 5 10 मार्क्स भी आपके बन जाते हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से मेंस के एग्ज़ाम के अंदर आगे हो जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे है, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, तो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीए सबसे बड़ा हथियार आप लोगों के लिए, और ईजी भी है ये चीज़ें, क्योंकि सिर्फ आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। अब इसमें आप अपने नोट्स बनाए हैं तो पहले से अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे तो आप लोग पीडीएफ जो है उनका प्रिंट निकालिए, और एक छोटे छोटे प्लान आप लोग लीजिए। ये नहीं है कि मैं एक दिन में पूरा जनवरी मंथ कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा प्लान आप लोग ना करें, क्योंकि ना तो जनवरी मंथ कंप्लीट होना और वो डे और पाक ख़राब हो जाएगा। आप एक छोटा सा टारगेट दीजिए कि मेरे को आज 1 से 10 जनवरी तक के 2 या 3 बार मल्टीपल रिविजन्स करनी है, 1 से 10 जनवरी तक के। कल मैं 11 से 20 का करूँगा, और परसों मैं 21 से 30 का रिविजन करूँगा, 3 दिनों में आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और मल्टीपल रिविजन्स भी आप लोगों के हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके 6 मंथ 6 दिनों 6 मंथ आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद दोबारा से आप दूसरे मंथ पे लग जाइए, दोबारा से आगे वाले मंथ पे लग जाइए। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बना के अगर आप लोग जीए को कवर करोगे, तो ही आप लोगों का जीए जॉब अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि पूरी मंथ की पीडीएफ मैं एक साथ निकाल दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसमें आपके मल्टीपल रिविजन्स भी नहीं होंगे। तो आप लोग एक छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, या आप ये कर सकते हो कि जैसे जनवरी मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस है, मैं आज उसको कंप्लीट करूँगा, कल उसके जो इंटरनेशनल क्वेश्चन है या स्टेट के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूँगा, परसों उसके जितने भी सपोर्ट्स के हैं, जो भी बुक्स वगैरह उसमें आई है, वो वाली क्वेश्चन कवर करूँगा, और नेक्स्ट डे मैं उसके डेज वगैरह जो ऑब्जरीज वगैरह जो होती है उनको कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट अगर आप लोग बनाओगे, तो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस की तरफ जाओगे। अगर आप लोग पूरा का पूरा पीडीएफ भी एक दिन में पढ़ना चाहते हो, तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स के बिना चीज़ें हमें रिमेंबर नहीं हो पाती, और एग्जाम के अंदर यही होता है, जब हम जाते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन हमें याद है, ऑप्शन हमने देखे हैं, अब 5 ऑप्शन है, क्वेश्चन हमें याद था, हमने पढ़ा था, पर अब 5 ऑप्शन जो है वो सेम दिख रहे हैं, और उसमें से लगाएं कौन सा, ये वाली दिक्कत हो जाती है। ये दिक्कत क्यों होती है कि अपने मल्टीपल रिविजन नहीं होते। अगर आप लोग जितने ज़्यादा रिविजन्स करोगे, उतने ज़्यादा आपका जीएस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए।